खबर उन्नाव से है, जहां धरने में शामिल होने जा रहे किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। किसान जिला अस्पताल में चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे। उन्नाव जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से किसान यूनियन धरना दे रही है। इसी धरने में शामिल होने के लिए ट्रेनों से उन्नाव रेल स्टेशन पहुंचे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। इससे पहले किसानों से बातचीत करने के लिए सुबह सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राय और सिटी सोनम सिंह जिला अस्पताल पहुंची। दोनों अधिकारियों ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने अधिकारियों से बात नहीं की। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल में धांधली व्याप्त है। आज हमारे धरने का 10वां दिन है और वही हमारी 3 मांगे थी, जो की सिटी उनका का नाम सीमेश और रेणु गंगवार आया को, आया मीरा को गंगा घाट भेज दिया गया है, वो कल फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। रेणु को छुट्टी भेज दिया गया है, आ जाएंगी। अब कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अब जांच चल रही है, जब 10 दिन बीत गए हैं। आज प्रशासन की तानाशाही, सारा हमारा संगठन रेलवे स्टेशन पर है, बाकी दोस्ती नगर रोड पे है, सब तक रोका जा रहा, और ये इतने दिन क्या हो गया। क्या तारीख का लेटर है, एक बार निगाह डालिए भैया। 23 तारीख 23-9 का दिया हुआ ये ज्ञापन है डीएम साहब को। आज तक क्या कार्रवाई हुई उस पर हम वार्ता डीएम साहब से करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मेरे लोगों को बुला के मेरे पास कर दिया जाए, हम 10 लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। पर डॉक्टर द्वारा हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ अभद्रता की गई है। उस समय कुछ पैसे के लेन देन का मामला था, पैसा मांग रहे हैं, गरीब आदमी पैसा कहाँ से देगा, पैसा होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज करा लेता। हम लोग मांग करते हैं डॉक्टर को और वहाँ के जो कर्मचारी जो किया है बदतमीजी, उनको तत्काल हटाया जाए। ये तो अन्यथा आज हम डीएम साहब से भी वार्ता करेंगे, वार्ता में आश्वासन मिलता है हमको समय दिया जाए, उसके बाद समय नहीं मिलता है तो हम फिर दोबारा प्रदर्शन फिर चालू मेरा हो जाए। ये 30 तारीख से हमारी प्रदेश महासचिव किरण सिंह चौहान बैठी हैं, उनके साथ जो है पूरी टीम बैठी है। तो यहाँ क्यों रुक गए आप लोग? यहाँ हमको पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेशन मिरर के लिए उन्नाव से प्रभा बाजपेयी की रिपोर्ट।